हमारे फादर फिगर एक्स वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब, पहले तो सीना चौड़ा करके वो ये बात कह रहे हैं, शायद उनका सीना भी 56 इंच का हो गया इसलिए कह रहे हैं, पहले तो सीना चौड़ा करके वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमने पुलिस को अलाउ किया कैंपस में, और ये भी कहा कि जितना एप्रोप्रिएट फोर्स वो यूज कर सकते हैं करें, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें खेद है। पूरी तरीके से मोदी जी से इंस्पायर है, उनकी जैसी बातें करते हैं, पहले अटैक करवाते हैं फिर खेद जताते हैं। और अब एक नई चीज और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी की डिमांड करी है। नहीं, वो डिप्लोमेसी से खेत जता देते हैं, पब्लिक को इस चीज का एहसास करा देते हैं कि हाँ भाई मुझे अफसोस है। तो हाँ, ये जो एसएसपी को इन्होंने खत लिखा है तारिक मंसूर साहब ने, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले इन्होंने पुलिस को अलाउ किया था, अब दोबारा इन्होंने स्टूडेंट्स को ये बता दिया है कि मुझे जान का खतरा है स्टूडेंट से। इसका मतलब ये है कि पुलिस कभी भी कैंपस के अंदर घुस सकती है, स्टूडेंट को उठा सकती है, कोई भी चार्जेस में फ्रेम कर सकती है। उनके पास कहने के लिए बात होगी कि तारिक एक्स वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब की जान को खतरा था। एनआरसी एनपीआर सीसीए को लेकर पूरे हिंदुस्तान में विरोध चल रहा है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब से ये बिल पास हुआ है, जब से ये एक्ट बना है, यहाँ पर पुरजोर विरोध चल रहा है। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मिलकर इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। 15 दिसंबर को पुलिस की हिंसक कार्रवाई को लेकर स्टूडेंट्स नाराज हैं। स्टूडेंट्स अपने वाइस चांसलर तारिक मंसूर से नाराज हैं। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस वक्त वाइस चांसलर हैं। हालांकि स्टूडेंट्स उनको एक्स वाइस चांसलर मान चुके हैं, जैसा कि उनका आरोप है कि वाइस चांसलर ने पुलिस अथॉरिटी को इजाजत दी कि वो एमयू में घुसकर बल का प्रयोग करें, और बल ने स्टूडेंट्स पर हिंसक कार्रवाई की। एक ओपन लेटर टीचर्स के लिए निकाला है स्टूडेंट्स ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के बाद टीचर्स एनआरसी सीसीए एनपीआर के खिलाफ तो हैं, लेकिन वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ नहीं है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो रहे हैं। टीचर्स उनका साथ मांग, टीचर्स से स्टूडेंट्स साथ मांग रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से माँ बाप, जिस तरीके से पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं हमारे और हम उनकी औलादें हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े हों। अगर टीचर्स खड़े नहीं होते हैं हमारे साथ, तो एक डार्क हिस्ट्री रहेगी कि जब एमयू का बुरा वक्त चल रहा था तो टीचर्स स्टूडेंट के साथ नहीं थे। तो फिर किसी और न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।